लगातार आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स दिखा रहा है। मेरे कई सहयोगी इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं, वो एक्टिव वॉर जोन में अपनी जान पर खेलकर अब तक वहाँ की ज़मीनी हालात दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक युद्ध क्षेत्र है माकरीव में। मेरे सहयोगी मृत्युंजय सिंह वहाँ पहुँचे। रूसी सेना यहाँ से वापस हट गई है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। यूक्रेनी और रूसी सेनाओं में यहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई। मृत्युंजय ग्राउंड जीरो पर पहुँचे, क्या कुछ उन्होंने देखा अब आप देखिए। पिछले 54 दिन से यूक्रेन रूसी बमबारी को झेल रहा है। पहले लग रहा था कि रूस आसानी से यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूक्रेनी सेनाएं जबरदस्त मुकाबला कर रही है और कई इलाके उन्होंने रूसी कंट्रोल से छुड़ा भी लिए हैं। ऐसा ही एक शहर है माकरीव। जहां रूसी सेना ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह जब माकरीव पहुंचे तो देखिए उन्होंने क्या पाया। माकरीव डिस्ट्रिक्ट में हम मौजूद हैं और यहां भी रूस और यूक्रेन के बीच जमकर युद्ध हुआ था। रूस ने जमकर बमबारी की थी और उसके निशान इस शहर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, पूरे शहर का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया है। ये इमारत, दुकानें, व्यवसाय सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं, तहस नहस हो चुके हैं। सड़क के एक छोर के आपने दुकानों और की तस्वीरें देखी, सड़क के दूसरे छोर पर देखे लोगों के जो घर हैं वो घर तबाह हो गए हैं। जगह जगह गोलीबारी के निशान भी देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर गोलीबारी के निशान यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। सब यहाँ गोलियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर बुलेट शेल्स जगह जगह फैले हुए हैं और पूरा इलाका तबाह हो गया है। जगह जगह ऐसा लगता है भूकंप बड़ी तीव्रता का आया हो, इस प्रकार की बमबारी गोलाबारी यहाँ पर हुई थी और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। और अब अगर हम बात करें माकरीव की, तो यहाँ की अधिकतर आबादी, 95% से अधिक आबादी यहाँ से चली गई है। पूरा परिसर सूना पड़ा हुआ है। रूसी सेना ने यहाँ एक इमारत पर कब्जा किया और फिर उसे अपना बेस बना लिया। गोला बारूद, सैन्य गाड़ियाँ सब यहाँ थी, लेकिन अब यहाँ पर हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी दिख रही है। माकरीव में जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना एक हेडक्वार्टर बनाया था। रूस की सेना ने सबसे पहले यहाँ पर 24 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया था, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से यहाँ पर हमले किए थे, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। और उसके बाद जब सेना यहाँ पर दाखिल हुई तो उन्होंने इस इमारत को, जो आप इमारत देख रहे हैं, इस इमारत को उन्होंने अपना बेस बना लिया था, हेडक्वार्टर बना लिया था। यहाँ पर वो अपने साजो सामान रख रहे थे और यहाँ बिल्डिंगों पर, खिड़कियों पर अपने स्नाइपर्स तैनात रखे थे और यहाँ से निगरानी रखी जा रही थी। चूंकि इस इलाके के लोग इस घर को खाली कर चुके थे, यहाँ पर रूस की सेना ने अपना बेस बना लिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जो सप्लाई था, वो सप्लाई के लिए जो वाहन थे वो यहीं पर पार्क करके रखे हुए थे। ये देखिए, तमाम जो आपको ट्रक हैं, ये रूस के मिलिट्री ट्रक हैं, मिलिट्री सप्लाई ट्रक हैं, और इसमें जितने साजो सामान थे रूस के वो यहाँ पर रखे जा रहे थे, चूंकि ये हेडक्वार्टर था और यहाँ से जगह जगह भेजे जा रहे थे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई उसमें यूक्रेन की सेना ने यहाँ पर निशाना साधा और निशाना बनाया और रूस के इस हेडक्वार्टर को नस्तनाबूद किया, साथ ही साथ उनकी जो गाड़ियां हैं उसको नस्तनाबूद किया। इमारत के अंदर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। जिस कमरे में एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ पहुंचे, वहां जिंदा कारतूस मिले। यहाँ देखिए, जिन घरों में रूस की सेना यहाँ पर तैनात थी उन्होंने अपना दफ्तर बना लिया था, यहाँ से वो सप्लाई कर रहे थे, ईंधन सप्लाई कर रहे थे, वो घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है, बमबारी हुई है, यहाँ मिसाइल अटैक हुए हैं। यहाँ पर रूस की सेना थी, जब यूक्रेन की सेना को पता चला कि रूस की सेना इस पूरे बिल्डिंग को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है और यहाँ पर उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है, उसके बाद लगातार यहाँ लगातार फायरिंग होती रही दोनों पक्षों के बीच में, जमकर लड़ाई हुई और यहाँ उन्होंने जमकर बमबारी की, जिसके बाद यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ देखिए जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, ये देखिए यहाँ, ये बहुत सारे बुलेट्स यहाँ पर, लाइव बुलेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये देखिए मेरे हाथ में ये लाइव बुलेट है, यानी ये इस्तेमाल में नहीं हुआ। इस प्रकार से हर फ्लैट में बहुत सारे ऐसे बुलेट्स पड़े हुए हैं। माकरीव शहर जिद्विश नदी के किनारे बसा है, जो पुल शहर के दो हिस्सों को जोड़ता है वो भी हमले का शिकार हुआ।
दो बड़े रॉकेट इससे टकराए और इसके आर पार हो गए। ये जिद्विश नदी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है। माकरीव शहर से, शहर के बीच से होकर ये बहती है। चूंकि इस नदी को पार करने के लिए जो पुल बना है वो पुल बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए युद्ध के दौरान ये पुल भी टारगेट पर था। यहाँ पर दो बड़े बड़े मिसाइल गिरे और मिसाइल गिरने की वजह से यहाँ क्या हालात हुए उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे ब्रिज में पूरा छेद हो गया है और हम पानी तक देख सकते हैं और जो मलबा है वो पानी के अंदर गिरा हुआ है। और कुछ इसी प्रकार का एक मिसाइल अटैक ठीक इसके पास दूसरा अटैक भी हुआ था। कोशिश थी कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाए जिससे कि सेना का जो मूवमेंट है, कोई किसी भी सेना का वो मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह ना हो सके। ये जो नदी है इस नदी को कोई पार ना कर सके। जिद्विश नदी है, इसका जलस्तर काफ़ी कम ज़्यादा होता रहता है। और यहाँ देखिए बमबारी हुई थी, मिसाइल गिरा और पूरे बीच में जो ये पुल है उस पुल के बीचों बीच मिसाइल गिरा और ये ध्वस्त करने की कोशिश की गई। हालांकि दो मिसाइल गिरने के बाद भी ये ब्रिज नहीं टूटा। ब्रिज ठीक ठाक हालत में है क्योंकि किनारे किनारे से गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन प्रयास यही था कि इस ब्रिज को तोड़ दिया जाता ताकि जो बड़े वाहन है, खास करके टैंक है, मिलिट्री व्हीकल है, वो इस नदी को पार ना कर सके और दूसरे इलाकों में जो मकरीव से दूसरे शहर की ओर जाते हैं या कस्बों की ओर जाते हैं वहां टैंक और आर्टिलरी ना पहुंच सके। लड़ाई अभी भी जारी है और आगे आने वाले लंबे वक्त तक के लिए जारी रह सकती है क्योंकि अभी तक समझौता हो नहीं पाया है। ना तो रूस पीछे हट रहा है और ना ही यूक्रेन। अगर कोई हटा है तो वो है यूक्रेन के लोग जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा। ABP News आपको रखे आगे।